हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं देवप्रयाग, जहाँ पे दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी, जिसको गंगोत्री भी कहते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं और आपको पूरा रास्ता दिखाते हैं, सड़क से लेकर नीचे जो आपका 200 मीटर का पैदल का रास्ता है। यहाँ से ये पैदल रास्ता है जो नीचे जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ी ढलान है, देख सकते हैं यहाँ पे, तो उतरने में तो इजी है, लेकिन चढ़ते टाइम थोड़ी सी दिक्कत होती है और मुझे तो ज़्यादा होती है, क्योंकि सीढ़ी और ढलान उतरने में तो अच्छी लगती है, लेकिन चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम लोग इस टाइम यहाँ आए हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, पानी का बहाव तेज़ है और भीड़ नहीं इतनी ज़्यादा, इसलिए हम आराम से जा पा रहे हैं। आप देख सकते हैं ज़्यादा भीड़ नहीं है, रास्ता साफ है। ये एक छोटा सा पुल सा आता है, राम झूला लक्ष्मण झूला जैसा, बिल्कुल वैसे ही फील देते हैं। बहुत छोटा सा है, इस पर आप खड़े होते हैं ये भी हिलता है, बिल्कुल राम झूला और लक्ष्मण झूला जैसा ही बनाया हुआ ये भी। ये ट्रिप हम आए हैं फैमिली के साथ, ये हमारे फैमिली मेम्बर आगे और पीछे घूम रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ आए थे हम लोग। और आप यहाँ देख सकते हैं दोनों नदियों का संगम है, वो अलकनंदा और एक ग्रीन वाली गंगोत्री, जिसको भागीरथी भी कहते हैं। हाँ जी, हिल तो रहा है, चलते है पता नहीं चलता, खड़े होगे तो पता लगेगा, हाँ रुकोगे तो पता लगेगा। और हम पहुंच गए हैं संगम के पास, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं जो बिल्कुल नीचे संगम तक जाते हैं। तो हम पहुँचे हैं देवप्रयाग, अचानक प्रोग्राम बना था और इस बार हम ऋषिकेश दोबारा आए हैं, लेकिन इस बार हरिद्वार से हमने रूट दूसरा लिया। हम आए चीला फॉरेस्ट की तरफ से, जहाँ चीला डैम पड़ता है, और बहुत सुनसान और सीधा और प्यारा रास्ता जंगल के बीच में से। और अब हम पहुँचे देवप्रयाग, ये मैंने आपको पूरा रास्ता दिखाया, इसमें देवप्रयाग का पूरी मैंने कवर किया, कहाँ से कहाँ तक रास्ता आता है। अभी ये मैं पहुँचा हूँ जहाँ संगम होता है, मेरे पीछे आप देख रहे हो और उधर पीछे संगम है, दूसरी नदी उधर से बैक साइड से है। तो अब यहाँ से मैं आपको संगम दिखाता हूँ। Thank you.
ये जो मेरे लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये है गंगोत्री, जिसको भागीरथ भी कहते हैं, जो दूसरी तरफ है उसको कहते हैं अलकनंदा। यहाँ पे दोनों नदियों का संगम होता है और यहाँ से गंगा बनती है। ये ढलान भी है तो ध्यान से है, सेफ्टी से है, और आप ये देख सकते हो गंगोत्री का पानी बिल्कुल साफ, कलर आप देखो बिल्कुल ज़बरदस्त। ये मंदिर छोटे छोटे, ये हम आ चुके हैं संगम के पास। अब यहाँ पे हम अपने जूते चप्पल उतार के नीचे जाएंगे टपके लगाने। जहाँ संगम होता है वहाँ एक मंदिर भी है छोटा सा, लेकिन पानी उस मंदिर से 15 फुट ऊपर आ चुका है तो वो मंदिर नहीं दिखा पाऊँगा, वो आगे जब पानी का लेवल कम होगा तो फिर कभी कवर करेंगे। अभी हम जा रहे हैं टपके लगाने संगम में। इधर आपको चप्पल उतारनी है, यहाँ से आपको आगे जाना है। यहाँ पे दोनों नदियों का मिलन, यहाँ पे आप डुबकी भी लगा सकते हो। सब ऊपर आप नीचे आ जाओ।